और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर भाजपा पार्षदों की चोमू में बाड़ा बंदी, चोमू पैलेस होटल में बीजेपी के 62 पार्षद मौजूद है और कल से भाजपा पार्षद बाड़ा बंदी में है मौजूद। ऐसे में आपको बता दें कि विधायक रामलाल शर्मा को दी गई है जिम्मेदारी बाहरी लोगों के प्रवेश पर, होटल में लगाई गई है रोक, साथ ही गुलाबचंद कटारिया के घर चल रही है रायशुमारी। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों की चोमू में बाड़ेबंदी जारी है और चोमू पैलेस होटल में बीजेपी के 62 पार्षद फिलहाल मौजूद है। आपको बता दें कल से ही भाजपा पार्षद बाड़ाबंदी में है और ऐसे में विधायक रामलाल शर्मा को जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर होटल में रोक लगा दी गई है और आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया के घर पर चल रही है रायशुमारी। इसी बीच प्रदीप सोनी हमारे संवाददाता चोमू से लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए चोमू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रदीप, बड़ी जानकारी मिल रही है कल से ही भाजपा के जो पार्षद हैं वो बाड़ेबंदी में हैं, रामलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की तस्वीर देखने को मिली है? क्योंकि बताया जा रहा है सुबह पार्षद और चेयरमैन सैर सपाटा करते हुए, योगा करते हुए भी दिखाई दिए थे। बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से सर्द हवाएं हैं, मौसम थोड़ा सर्द है लेकिन सियासी पारा जरूर गर्म है। जिस तरीके से नगर निगम ग्रेटर के बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्हें चोमू पैलेस में बाड़ाबंदी के तौर पे लाया गया है, हालांकि बीजेपी से बाड़ाबंदी नहीं कहकर प्रशिक्षण शिविर बता रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ इस चोमू पैलेस में जहां मैं खड़ा हूँ इस होटल में 62 भाजपा के पार्षद मौजूद है, हालांकि 12-13 जो पार्षद है वो नहीं आए हैं, शादी समारोह में कुछ बिजी थे। दूसरी बात, किसी की तबियत खराब बताई जा रही थी। इस पूरी जिम्मेदारी जो है वो भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा को दी गई है। रात भर से यहाँ रामलाल शर्मा खुद मौजूद थे, इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया हैं, उनको भी इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वे भी रात को यहाँ थे। सुबह अब जो गुलाबचंद कटारिया की जयपुर आवास है वहां सभी की बैठक चल रही है, तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे रायशुमारी की जा रही है। साथ ही इस बार जो चर्चा है वो ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए तमाम विधायकों और पार्षदों की राय सुमारी के बाद ही महापौर को तय किया जाएगा। जो कार्यवाहक सील दाभाई महापौर रही हैं वो फिलहाल इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं है। ऐसे में कई बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। सुबह से यहाँ जो पार्षद रखे गए हैं बाकायदा उन्होंने यहाँ व्यायाम किया है, प्राणायाम, तमाम यहाँ भ्रमण किया है, होटल का जायजा लिया है, इस तरीके से घूमते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर होटल में रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई सेंधमारी नहीं हो। जी आयुषी जी, बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच दीपक गोयल हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिरी दिन है आज नामांकन का, ऐसे में चोमू की तस्वीर भी सामने आई, किस तरह से वहां पर पार्षद बाड़ेबंदी में है, व्यायाम कर रहे हैं सुबह, जयपुर से क्या जानकारी मिल रही है आपको? नामांकन का आज आखिरी दिन है। देखिए, देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी में शुभ मुहूर्त में आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर का पद रिक्त हुआ डॉक्टर सौम्या गुर्जर के बर्खास्तगी के बाद, हालांकि शील दाभाई को कार्यवाहक मेयर बनाया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की और आज नामांकन का सुबह 10:30 से 3 बजे तक का, यानी कि 4.5 घंटे का समय अब शेष है नामांकन दाखिल करने के लिए। और आज देवउठनी एकादशी में शुभ मुहूर्त में जो कैंडिडेट है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर होटल चोमू पैलेस में अपनी बाड़ेबंदी कर रखी है और 50 से ज्यादा पार्षद वहां नहीं है, जबकि बीजेपी के पास आंकड़ा 93 का है। उधर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हालांकि वहां भी दावेदारी की जा रही है और कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी पार्षद दल की, कांग्रेस पार्षद दल की बैठक बुलाई थी। दूसरी तरफ यदि हम माने तो जिस तरीके से गुलाबचंद कटारिया को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, उस वहां भी 4 दावेदार हैं। 4 दावेदारों में सुप्रीत बंसल, शील दाभाई, रश्मि सैनी और भारती लख्यानी का नाम है, उसमें से एक पर मोहर लगेगी। और जिस तरह से 2020 के इलेक्शन में देखा गया था मेयर के इलेक्शन में कि जो कैंडिडेट्स थे, सभी जो दावेदारी कर रहे थे उनको एक साथ बीजेपी
दिल्ली मुख्यालय लाया गया था और वहाँ से एक को नॉमिनेशन भरवाकर और रिटर्निंग अधिकारी के सामने उनका नामांकन दाखिल करवाया गया था। वही प्रक्रिया आज भी अपनाई जा सकती है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। वो इसलिए रख रही है क्योंकि 2019 का घटनाक्रम फिर से रिपीट नहीं हो जाए। रिटर्निंग अधिकारी हैं शंकरलाल सैनी सर, अब 4:30 घंटे का समय शेष है, कितने बजे तक नामांकन दाखिल होंगे और कितने फार्म अभी तक ले जा चुके हैं लोग? अभी नाम निर्देशन पत्र कल शाम तक 4 लेके गए हैं और आज अभी 10:30 बजे से टाइम शुरू हो जाएगा नाम निर्देशन पत्र लेने का। आज का कल कोई नाम निर्देशन पत्र नहीं आया और 3 बजे तक का टाइम है आज। आज का समय शेष रहेगा? हाँ, आज 3 बजे तक का समय, 3 बजे तक का समय आज। अच्छा, और कल क्या प्रक्रिया रहेगी सर? कल फिर स्क्रूटनी है 5 तारीख को और 7 तक इसमें जो है अगर कोई नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहे तो वापस ले जा सकता है। जरूरी हुआ तो 10 तारीख को इसमें वोटिंग है 10 से 2। 10 से 2 बजे तक वोटिंग होगी और यहाँ पर अब निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करती है या नहीं है। दूसरी तरफ है कि क्या क्रॉस वोटिंग का भी बीजेपी को है यहाँ पर डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी ने भी अपनी बाड़ेबंदी की है होटल चोमू पैलेस के अंदर। तो इस तरह के जो घटनाक्रम है, क्योंकि 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें से बीजेपी है यहाँ पर सबक लेती हुई और उसने बाड़ाबंदी कल ही कर दी थी और कल 2 बसों से बीजेपी ने अपने पार्षदों को जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक होटल में उनको बाड़ाबंदी की थी। आज सभी जो कैंडिडेट्स हैं जिसका नाम या जिसके नाम पर मोहर लगेगी उसको रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष वो अपना नामांकन दाखिल करेगा और उसको फिर से बाड़ाबंदी में ले जाया जाएगा। देखिए, बीजेपी भले ही कॉन्फिडेंट हो और बीजेपी बाड़ेबंदी का पार्षद बोल रहे हैं उनको बाड़ाबंदी में ले जाया गया है, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन इसे बाड़ाबंदी बीजेपी के पार्षद बता रहे हैं कि हमें मैसेज यही मिला था। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2019 का जो इलेक्शन है कि बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद विष्णु लाटा ने बीजेपी से बगावत की और बीजेपी से बगावत करने के बाद वो जयपुर नगर निगम के मेयर बन गए थे। ये 21 जनवरी 2019 का ये पूरा घटनाक्रम है। 2020 के अंदर जयपुर नगर निगम, 2 नगर निगम विभाजन हुआ, जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में इलेक्शन हुए और इसी नवंबर के महीने में जयपुर नगर निगम में महापौर का इलेक्शन भी हुआ था और 10 नवंबर को महापौर चुनी गई थी जो डॉक्टर सोम्या गुर्जर थी, उनको सरकार ने बर्खास्त किया, रिक्त पद हुआ और उसके बाद फिर से 10 नवंबर को जयपुर की शहरी सरकार को मुखिया मिलेगा। देखिए, दूसरी तरफ जो शील दाबाई है वो किसी भी विधायक के लिए काटा नहीं है, इसलिए विधायक भी उनके नाम पर सहमति जता रहे हैं जिस तरीके से जानकार बता रहे हैं, और क्योंकि वो उम्रदराज हो चुकी हैं तो ऐसे में किसी को खतरा भी नहीं है विधायकों को, और यदि किसी दूसरे चेहरे पर नाम पर मोहर लगती है तो वो विधायकों के लिए काटा हो सकती है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि शील दाबाई और जो सभी जो दावेदार जो थे हैं वो सभी बाड़ाबंदी के अंदर इस समय चोमू पैलेस होटल में हैं। कांग्रेस ने फिलहाल बाड़ाबंदी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी 7 ओबीसी महिला वर्ग से महिला पार्षद हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी जता रही है। कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीसीसी मुख्यालय में इस पर बैठक ली थी और राय शुमारी की थी और सभी पार्षदों से राय जानी थी और उससे एक दिन पहले भी उन्होंने होटल सफारी में पार्षदों की बैठक ली थी और राय शुमारी की थी कि क्या कांग्रेस के पास बहुमत भले ही नहीं हो लेकिन क्या वो खाली मैदान छोड़े या नहीं छोड़े। इस पर रायशुमारी की पार्षदों ने कहा खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए और कोई ना कोई कैंडिडेट उतारना चाहिए। हालांकि 2020 के इलेक्शन में भी जब मेयर का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस ने दिव्या सिंह पर दाव खेला था, लेकिन 97 वोट हैं डॉक्टर सोम्या गुर्जर के पक्ष में आए थे तो वो विजय हुई थी, क्योंकि उस समय जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 150 वार्ड थे जिसमें से 97 वोट बीजेपी की डॉक्टर सोम्या गुर्जर को मिले थे। दूसरी तरफ दिव्या सिंह को कम वोट मिले तो वो शिकस्त उनको दी थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी 4 पार्षद बर्खास्त हो चुके हैं तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर का आंकड़ा है 146 पर टिका हुआ है। 146 में 93 वोट भाजपा और भाजपा सपोर्टेड पार्षदों के हैं और बाकी कांग्रेस और कांग्रेस सपोर्टेड पार्षद के 53 वोट हैं, इस तरह से 146 का आंकड़ा होता है। 146 जो पार्षद है अपनी वोटिंग करेंगे, 10 नवंबर का वो दिन होगा, यदि नॉमिनेशन पर डिपेंड करेगा। दोपहर 3 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी की ओर से कैंडिडेट होगा और कौन कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल, तो दीपक कांग्रेस ने खाली मैदान छोड़ना सही नहीं समझा, ये बात देखी जा सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप, आपके पास लौटकर आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि 62 पार्षद फिलहाल चोमू पैलेस में मौजूद है, ऐसे में आज क्योंकि अंतिम दिन है नामांकन का, तो क्या ये माना जा सकता है कि आज बचे हुए जो पार्षद है वो चोमू पैलेस पहुंच सकते हैं, या इससे जुड़ी कोई जानकारी मिल रही है?
आयुष, जिस तरीके की जानकारी यहाँ मिल पाई है वो यही थी कि 62 पार्षद तो देर रात को ही यहाँ पहुंच गए थे, हालांकि जो पार्षद बचे हुए हैं उन्हें बुलाने की और उन्हें यहाँ लाने की कवायद की गई है, नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे लोग वहां यहाँ लेकर पहुंचेंगे। जो लोग रास्ते में थे वो अपने निजी वाहन से यहाँ पहुंच रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। हालांकि फिर भी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जो नहीं आ रहा है या सूचना के बाद यहाँ नहीं पहुंचा है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया के घर एक बैठक चल रही है, उस बैठक में तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। साथ ही इस बार बीजेपी ने इस चुनावी माहौल के अंदर देखा है कि चुनाव जैसे ही अंतिम साल है तो बीजेपी ने यह भी तय किया है कि किसी भी तरह से कोई भीतर बगावत ना हो, इसको लेकर सभी से राय शुमारी की जा रही है और उसके बाद में ही फाइनल मेयर के नाम पर ठप्पा लगेगा। हालांकि जो चार नाम अभी सहयोगी दीपक बता रहे थे उन्हीं में से सील धाबाई जो कार्यवाहक मेयर रह चुकी हैं उनके नाम की खासी चर्चा बताई जा रही है। आयुष जी बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर शील दबाई का चेहरा सबसे सेफ माना जा रहा है भाजपा की तरफ से। दीपक आपके पास लौटकर आना चाहूंगी, गुलाबचंद कटारिया ने सभी पार्षदों से एक पर्ची ली है जिस पर तीन तीन नाम लिखे हैं और साथ ही ये भी बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जो नाम सजेस्ट करेंगे उन्हीं के ऊपर विचार किया जाएगा। देखिए कल गुलाबचंद कटारिया है जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, साथ में नेता प्रतिपक्ष वो हैं, तो उन्होंने सभी जो पार्षद बाड़ाबंदी के अंदर शामिल थे उनसे तीन तीन नाम लिए हैं। तीन तीन नाम ऊपर चर्चा होगी क्योंकि उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और किसी के दबाव में ना आऊँगा और जो प्राथमिकता होगी उसी के नाम को तवज्जो दी जाएगी, ये ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा। हालांकि देखिए नाम किसका है नेतृत्व ये तो तय करेगा, क्योंकि पिछली बार भी ये सभी जो कैंडिडेट जो अभी दावेदारी कर रहे हैं उन्होंने 2020 नवंबर में भी दावेदारी चुनाव जीतने के बाद की थी, मेयर पद के लिए उन्होंने लॉबिंग की थी, लेकिन डॉक्टर सोमिया गुर्जर पर बीजेपी ने दाव खेला और वो 97 वोट लेकर वो चुनाव जीत गई थी। इस बार बीजेपी किसको यहाँ पर मैदान में उतारती है ये तस्वीर तो हालांकि देखिए कुछ देर बाद साफ हो जाएगी, लेकिन 3 बजे तक का नामांकन का समय यानी कि 4.5 घंटे शेष दोनों ही पार्टियों के पास है नामांकन दाखिल करवाने के लिए, क्योंकि 10:30 से और दोपहर 3 बजे तक की नामांकन प्रक्रिया है और आज अंतिम दिन है, कल स्क्रूटनी नामांकन पत्रों की होगी और जिस तरीके से 4 नॉमिनेशन जो नामांकन पत्र हैं भरने के लिए यहाँ से अलग अलग लोग हैं वो लेकर गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 32 से एक पार्षद भी बताई जा रही हैं और साथ में 2 डिप्टी मेयर के दफ्तर से 2 नॉमिनेशन है वो लेकर गए हैं, तो इस तरह से 4 नामांकन पत्र तो यहाँ सर लेकर गए हैं, लेकिन नामांकन पत्र कौन कौन दाखिल करता है दोपहर 3 बजे बाद पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। 10 नवंबर का वो दिन होगा जो दोपहर 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी और 146 पार्षद अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग करेंगे। यहाँ पर आने वाला मेयर चुनने वाले हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक आपका धन्यवाद, प्रदीप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत